गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सब कैसे हैं? और मैं यहाँ पे अच्छी हूँ। और अभी मैं नहा के आई हूँ आप लोगों से थोड़ा बात करने के लिए। सुबह मैंने आज पूरी बनाया था, पूरी सब्जी बनाया था। एक्चुअली मैंने सोचा था अभी, एक्चुअली जब मैंने कितने बार एक्चुअली एक्चुअली बोल दिया, मतलब लास्ट वीक जब गणेश चतुर्थी था और मैंने पूजा किया था घर में 5 डेज का, तो मैंने सुबह ही शाम कुछ ना कुछ बनाया था और बहुत ज़्यादा मीठा भी खाना हो गया था। तो मैंने सोचा था कि अभी मैं कुछ दिन कुछ मतलब बहुत सिंपल खाना खाऊंगी और ज़्यादा मिठाई और तेल मसाला वाला खाना नहीं खाऊंगी करके सोचा था, थोड़ा सा डाइटिंग करते हैं करके। लेकिन हुआ यूँ कि कल सुबह, बीता हुआ कल, मैं जब ब्रेकफास्ट बना रही थी, मैं लेमन राइस बना रही थी, तो मेरे हस्बैंड को मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, वो ऑफिस निकलने वाले थे, आप खा लीजिए। तो वो आए और बहुत मुस्कुरा के बोले, पूरी नहीं है। तो मैंने बोला, पूरी पूरी तो मैंने बनाया ही नहीं। तो उन्होंने बोला, नहीं तुम पूरी बना रही थी। मैंने बोला, नहीं तो मैंने पूरी नहीं बनाया, मैंने लेमन राइस बनाया। एक्चुअली राइस था तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया था और मैंने उसे लेमन राइस बनाया था। तो बोलते हैं, नहीं मेरे को पूरी का स्मेल आया। तो मतलब उनका नाक एक्चुअली बहुत शार्प होता है, वो कभी भी बाहर से आते बोल समझ जाते हैं, कॉलीफ्लावर बन रहा है, भिंडी बन रहा है क्या, कैबेज बन रहा है क्या, आलू की सब्जी बन रहा है क्या, ऐसे बोलते हैं। इवन कि चलो कॉलीफ्लावर और कैबेज तो सभी को समझ में आता है, बनने से उसका एक स्मेल आता है, लेकिन आके बोलेंगे करेला बन रहा है क्या, करेला का भी स्मेल उनको समझ में आता है। तो मतलब इतना शार्प है उनका नोज, तो कभी वो गलत नहीं होता है। मैगी बन रहा क्या बोल देंगे, मैगी का भी स्मेल पता चलता है। तो कल बोलते पूरी बन रहा क्या, मैंने बोला मैंने तो बनाया नहीं। तो बेचारे एक्चुअली वही, उनको कहीं से तो स्मेल आ गया होगा, तो उन्होंने सोचा मैं ही बना रही हूँ, और वो वही सोच के बैठे एकदम खुश खुश होके कि आज ब्रेकफास्ट में पूरी सब्जी है। तो मैंने बोला, और तो फिर मैं कल बना दूँगी, मैंने बोला। तो इसीलिए आज मैंने पूरी बनाया था, पूरी सब्जी बनाया था, और फिर उसके बाद वो खा के ऑफिस निकल गए। और लंच भी मैंने आज थोड़ा सिंपल सा बनाया, ज़्यादा कुछ नहीं। और अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो मैं पूजा करके आके आप लोगों से मिलती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा बात करना है आप लोगों से। तो पहले चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ।
ये मैंने मेरे बेड के ऊपर ऐसे थोड़ा सा फेयरी लाइट लगा दिया है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब जैसे मुझे कभी कभी हेडेक होता है ना, तो लाइट मुझे आँख में बहुत चुभता है, वो बेड लैम्प लगाने से भी मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, बट ये बहुत सूदिंग है, ये आँखों को चुभता नहीं है और घर का शो भी बहुत अच्छा करता है। ये फ्लैश ऑन करने से ऐसा लुक आ रहा है इसका, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है अभी, ठीक है। ये मैंने अभी 4-5 दिन पहले ही किया था, आप लोगों से शेयर करना नहीं हुआ, तो अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ा और लंबा होता तो अच्छा होता, लेकिन इसका लेंथ छोटा है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी से चलती है। तो मैंने जैसे कि बोला था कि मैं फिर पूजा करके आके आप लोग मुझसे मिलूंगी और मुझे कुछ बात करना है, लेकिन मैं आई नहीं थी। उसके बाद मैंने ऐसे ही घर का छोटा मोटा काम किया और मैंने जो भी किया वो मैंने शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मैंने एक्चुअली काफ़ी देर सोचा कि मुझे ये आप लोगों से शेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक्चुअली हुआ ऐसा कि आज सुबह सुबह मुझे एक सैड न्यूज़ पता चला। हमारे अपार्टमेंट में एक आंटी रहती हैं, उनका डेथ हो गया है। तो ज़्यादा एज नहीं था उनका, मुझे लगता है 65 to 70 के बीच में होंगी। तो उनका डेथ हो गया है और सुनने में यही आया कि उन्होंने सुसाइड किया है, जो कि बहुत शॉकिंग था मेरे लिए। और मैं अभी ये बात आप लोगों को बोल रही हूँ और मैं बहुत धीरे से बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने मेरे बेटे को ये बात नहीं बताया उसको, मैंने बस ये बोला कि वो दादी थी, उनका डेथ हो गया है। रीज़न मैंने नहीं बताया क्योंकि वो छोटा है, मैं सब कुछ उसको भी बताना नहीं चाहती हूँ, पता नहीं कौन सा चीज़ कैसे बच्चों के मन में इफ़ेक्ट कर जाए। तो आज सारा दिन इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। न्यूज़ मुझे सुबह ही मिल गया था मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने के बाद, मैं वो जाए निकले उसके बाद मैंने मेरे लिए पूरी बनाया, सुबह मैंने उनके लिए और बेटे के लिए बना दिया था, फिर वो निकल गए। उसके बाद मैंने चाय पिया और उसके बाद मैं जब पूरी बना रही थी तब उन्होंने कॉल किया और बोला कि तुम्हें कुछ पता चला? मैंने बोला किस बारे में? तो बोले कि वो नीचे आंटी एक बैठ, वो हमेशा एक्चुअली क्या पार्किंग में एक चेयर में बैठी रहती थी और 2 साल से मैं उनको से देख रही हूँ, सुबह शाम दोपहर उनको बोर लगता था, उनको घर में अच्छा नहीं लगता था, तो वो उधर आके पार्किंग में बैठी रहती थी और हम में से जो भी कोई जाएंगे उनको बुला बुला के बात करती थी, मेरे से भी बात करती थी, लेकिन वो यहीं की हैं तो वो यहाँ का भाषा बोलती हैं जो कि मुझे ठीक से समझ भी नहीं आता है। मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो वो कन्नड़ भाषा बोलती हैं, तो मेरे को बहुत कम ही समझ में आता है, पूरा ठीक से समझ भी नहीं आता, लेकिन वो फिर भी मुझे बुला बुला के बात करती थी, तो मैं समझती थी वो क्या बोलती थी। वो बोलती थी मुझे घर में अच्छा नहीं लगता, मेरे से कोई बात नहीं करता है, सब अपने अपने काम में रहते हैं करके बोलती थी। तो ये एक प्रॉब्लम है जब एज हो जाता है, मुझे लगता है सभी के साथ ये प्रॉब्लम होता है, कोई कोई मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं, कोई कोई वीक होते हैं। अब फैमिली मेम्बर्स को भी अपना काम होता है, वो अपना काम में बिजी रहते हैं, उनके नाती पोते लोग हैं, एक ग्रैंड डॉटर और एक ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन मेरे बेटे के एज का ही है और ग्रैंड डॉटर जो है वो इंजीनियरिंग कर रही है, तो उनको अपना पढ़ाई होता है, स्कूल जाएंगे कॉलेज जाएंगे फिर शाम को आके उनको अपना पढ़ना होता है, तो ये ऑब्वियस है कोई इतना टाइम दे नहीं पाता है। और बहू जो है वो भी घर का बहुत काम करती है, वो घर के काम में बिजी रहती है, थोड़ा बहुत बात करती होगी, बट एज हो जाने पे जो एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि हमेशा मेरे साथ कोई रहे बात करे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो वो काफ़ी टाइम नीचे बैठती थी और मुझसे बात करती थी, बुला बुला के बात करती थी। कभी कभार मुझे भी लगता था कि मतलब मैं लेट हो जाती थी, कहीं बाहर जाना है उधर ही गेट के पास रहेंगी बात करने लगेंगी, तो फिर भी मैं बात करती थी क्योंकि मुझे पता था। वो बोलती थी मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, एक्चुअली ये उनका रेंटेड हाउस है
तो वो लोग पहले कहीं और रहते थे और वहाँ पे उनका खुद का घर था, तो उनके सारे फ्रेंड्स थे। तो बोलती थी मेरे सारे फ्रेंड्स उधर होते थे, मैं उनसे बात करती हूँ, एक साथ हम लोग टेम्पल जाते हैं, पार्क जाते हैं, इधर मुझे अच्छा नहीं लगता, इधर मुझे बहुत बोर लगता है, कोई नहीं है बात करने के लिए। एक्चुअली उनका जो ग्रैंड डॉटर है उनका कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज यहीं पे है, इसीलिए वो लोग घर शिफ्ट हो गए थे, तो उनको यहाँ पे बहुत लोनली लगता था। एक मिनट, और एक भी बात है, जैसे कि लास्ट ईयर मुझे याद है 2019 संक्रांति का टाइम था, तो मैं तो डेली जाती हूँ नीचे वॉक करने के लिए, तो संक्रांति के बाद 3 दिन मैं वॉक करने के लिए नहीं गई। फिर जब मैं 4th डे गई वॉक करने के लिए, तो वो मेरे को पूछी तुम इतने दिन कहाँ पे थी। मैंने बोला कि मैं घर पे ही थी, तो बोली कि तुम नीचे नहीं आई वॉक करने के लिए। मैं बोली हाँ नहीं आना हुआ, थोड़ा मैं बिजी थी, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा मैं उस टाइम बिजी थी या मेरा तबीयत खराब था। तो वो बोली उन्होंने सोचा कि शायद मैं मेरी मम्मी के घर गई हूँ, तो उन्होंने बोला कि मैं 3 दिन से नीचे आके बैठ रही हूँ, तुम्हारे लिए स्वीट लेके आ रही हूँ कि तुम वॉक करने आओगी तो तुमको दूंगी, और तुम आ नहीं रही हो। मैं 3 दिन वापस लेके गई और आज 4th डे है, आज मैं स्वीट लेके नहीं आई और तुम आई हो वॉक करने के लिए। तो करके मतलब ऐसे बोल के वो अफसोस कर रही थी कि आज तुम आई हो और मैं स्वीट लेके नहीं आई करके। तो बस ऐसे कुछ कुछ बातें हैं जो मुझे बहुत याद आ रहा है आज। अपने हस्बैंड को काफ़ी याद करती थी, उनके हस्बैंड एक्चुअली नहीं थे, उनकी भी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ कब हुई कैसे हुई मुझे पता नहीं, और मैंने कई बार पूछने की कोशिश किया लेकिन मैं पूछ नहीं पाई ड्यू टू लैंग्वेज प्रॉब्लम। और एक बार मैंने शायद पूछा था बट उनको समझ भी नहीं आया मैं क्या पूछ रही हूँ, तो वो कुछ और ही बोल रही थी। तो मतलब आज सारा दिन ऐसे ही मुझे उनकी बातें बहुत याद आई, वो जो भी मेरे साथ बात करती थी। और पता नहीं अचानक क्या हुआ, मतलब ये जो मैंने सुना है कितना सच है, शायद सच ही है ये, लेकिन पता नहीं कल शाम तक भी वो ठीक ही थी। लोगों ने देखा था उनको, वो वहीं पे बैठी रहती थी, कल भी शाम को बैठी थी, वो पेपर वगैरह पढ़ रही थी, लेकिन मेरे से मुलाकात उनका काफ़ी दिनों से नहीं हुआ है। एक्चुअली जब से कोविड हुआ है मैं ज़्यादा बाहर जा नहीं रही थी और मैं वॉकिंग छोड़ दी थी, और फिर मैं जून में थोड़ा वॉक कर रही थी तब वो मिली थी, बट हमने बात नहीं की, हमने दूर से जस्ट दोनों एक दूसरे को देखे और हाथ हिला दिया था, क्योंकि कोविड की वजह से कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था पास जाके। और एक दिन मैंने उनको देखा था वो बालकनी में बैठी थी, तो मुझे लगा कि शायद कोविड की वजह से उनके घर वाले शायद उनको अलाउ नहीं कर रहे होंगे बाहर जाने के लिए, इसलिए शायद वो बालकनी में बैठी थी। मैं रोड पे वॉक कर रही थी और मैंने देखा था उनको, वो बालकनी में बैठी थी। तो मेरे मतलब काफ़ी टाइम से मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ, और अभी 1 महीने से मैंने उनको देखा नहीं था, तो आज सुबह ये सुनी तो मुझे बहुत ही ख़राब लगा। और तब मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, और जब मैं सुनी तो मैंने जैसे तैसे मेरा ब्रेकफास्ट बना लिया, और उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया और मेरे से खाना भी खाया नहीं जा रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है तो खाना पड़ेगा करके मैंने खा लिया था, और सारा दिन फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, बहुत सारी बातें याद आ रही थी। और वो ऐसे नीचे बैठी रहा करती थी, तो एक बार ऐसे मुझे याद है वो डेली मतलब ऐसे कॉटन का साड़ी पहन के बैठती थी, एक दिन वो एक अच्छा साड़ी पहन के बैठी थी, तो मैंने पूछा थोड़ा सा बात किया हम लोगों ने, फिर मैंने बोला आंटी आज आप बहुत सुंदर लग रही है, आपका साड़ी बहुत अच्छा है, कलर बहुत अच्छा है, तो एकदम खुश हो गई और बोली कि है ना ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ला के दिया था। और वो कान में भी कुछ पहनी थी, मुझे ठीक याद नहीं आ रहा कान में या गले में कुछ पहनी थी, वो भी निकाल के दिखाई मुझे और बोली ये भी तुम्हारे अंकल लेके आए थे। तो फिर उन्होंने उस टाइम पर अंकल को याद किया और बोला कि वो होते थे ना तो मुझे बहुत अच्छा होता, वो अभी नहीं है। वो जब भी अंकल के बारे में बोलती थी उनकी आंखों में पानी आ जाता था, वो सुन के मुझे भी खराब लगता था। तो मैंने एक दो बार उनको बोला था आप आइए हमारे घर कभी, लेकिन वो आई नहीं कभी मेरे घर, क्योंकि एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम था और उनका फ्री टाइम में मेरा बिजी टाइम होगा, तो लेकिन मेरे सामने वाले आंटी के घर आते थे, तो
उन्हीं के एज के हैं, उनसे बात वगैरह करके जाती थी। तो यही है, मतलब मैं भी क्या बोलूँ, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हमें पहले से ही खुद को ऐसे तैयार कर लेना चाहिए कि आगे चल के हमें लोनलीनेस फील ना हो, बोर ना हो। सबको अपना कोई ना कोई हॉबी बना लेना चाहिए और उसको कंटिन्यू करना चाहिए, जो हम अभी इस टाइम पे नहीं कर पाते हैं। जैसे घर है, गृहस्थी है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, घर का काम करना है, तो हॉबीज रह जाते हैं पीछे। तो मुझे लगता है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, और थोड़ा हमारा एज हो जाता है, हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, तब हमें उस हॉबी को कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि हमें बोर ना लगे, लोनलीनेस फील ना हो, और हम लोगों को भी लोगों को भी ना लगे कि ये खाली बैठे हैं, इनको कुछ काम नहीं है, ये चाहते कि हमसे बात करें, हम उनसे बात करें। वो चीज़ भी दूसरे को नहीं होगा अगर हम खुद ही खुद को बिजी रखें और कुछ ना कुछ करें तो। लेकिन सब ऐसे नहीं होते हैं, कोई कर लेते हैं खुद को बिजी अच्छे से, कोई नहीं कर पाते हैं। तो जो भी हुआ, बहुत बुरा हुआ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। सारा दिन मुझे उनका बात ही याद आता रहा। फिर अभी शाम को हस्बैंड आके भी बोल रहे थे कि उनके बारे में थोड़ा हमने बातचीत किया, तो बस यही है। तो मेरे हस्बैंड आने के बाद मैंने इसलिए इसको कंटिन्यू नहीं किया, और फिर मैं एडिटिंग पे लगी थी, और फिर अभी मैंने सोचा कि चलिए मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, शेयर कर लेती हूँ जो मेरे मन में था। तो फिर चलिए मैं आज इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोग सब बहुत अच्छे से रहिएगा, खुश रहिएगा और अपना बहुत ध्यान रखिएगा। तो फिर चलिए, चलती हूँ, बाय बाय, सी यू।